नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न के विरोध में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद पहुंचे एसडीएम और पुलिस फोर्स ने सभी को सजा बुझाकर हटाया, कार्यवाही का भरोसा दिया। मामला आजमगढ़ जनपद के जहानागंज मुस्तफाबाद गांव का है। पीड़िता उषा राजभर के अनुसार वहां घर पर अकेले बच्चों के साथ रहती है, जबकि पति बाहर कहीं रहकर मजदूरी का काम करता है। वह अपने घर पर टूटी दीवार को बनवा रही थी, तभी अचानक से उसके पड़ोसी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। इसमें खुद एसओ भी मौजूद थे। उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए निर्माणाधीन दीवार गिरा दी और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता को बचाने के लिए मौके पर आई पड़ोस की एक गर्भवती महिला समेत अन्य महिलाओं को पीटा गया, फिर पुलिस की जीप में सबको डालकर थाने ले जाया गया। इस दौरान भी काफी गाली गलौज व अभद्रता की गई। महिलाओं से पुलिस के इस मारपीट के मामले में पीड़िता पक्ष ने कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला आज आप लोग आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना साहब की हम लोग अपने जमीन में जोड़वा रहे हैं। अशोक साहब आई ना बस का कहला कि हमके उठा के ले गए ना, फिर हमारे बच्चे को उठा के ले गए ना, चार बोलो से आके न्यूज पाट के उठा के लेके चल गए ना। संदीप यादव हमारे लड़की के हमके मार पीट के चलान काट के छोड़ दिए। ये संदीप यादव के हैं? अस्से हमारे दरोगा हम साहब। हाँ। किस थाने के? जहानागढ़ थाना। तो तोहल उनके के पकड़ के ले गए? वो असो उसका सिपाही लगे ना पकड़ के। लेडीज के जेंट्स? लेडीज नहीं, जींस लगे ना अपने, आदमी लगे ना, पुलिस लगे ना पकड़ के। हाँ, और एमपी पर आना के घर पकड़ के लेके गया है। अपना पर्ची बता दें। हरीश राजभर। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग धरने बैठे हैं? हम लोग आए हैं, सिया ग्राम सभा है जिसको जो कि मुस्तफाबाद कहते हैं और जहानागंज थाना अंतर्गत आता है। जहानागंज थाना में जो है कि यशो द्वारा जो है हमारी चार महिलाओं को जो है कि प्रताड़ित किया गया है और उन्हें मारा गया है। और मारने का वजह यह है कि मामूली सा विवाद था जमीन का, जिसमें घर बन रहा था और घर बनने के लिए पुलिस ने चार गाड़ी आकर के जो है कि उस परिवार के दो चार बच्चियों को जमा किया, अगल बगल के बच्चियों को जबरदस्ती गाड़ी में ठूस कर मारते हुए लेकर गए हैं और गर्भवती महिलाओं को भी मारा गया है, पट्टों से बेल्टों से मारा गया है, जो कि एकदम घृणा पात्र के लोग हैं। और एक तरफा ये कार्रवाई जो किया गया है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है इसमें टोटली भ्रष्ट है और अत्याचारी है। और ये बताइए कि जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो रक्षा कौन करेगा? और उसके खिलाफ हम लोग आज मैदान में उतरे हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और धंधा हमारा लगातार जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि जहानागंज यशो संदीप यादव जी को सस्पेंड किया जाए और तत्काल सस्पेंड किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। और हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे समाज की नारी और बहन बेटियों के साथ में न्याय हो। जहानागंज यशो को सस्पेंड करो।